हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आपका अपना गौतम सोलंकी आज मैं वीडियो लेके आया हूँ कि ये छज्जा किस तरीके से खोलना चाहिए और किस तरीके से नहीं खोलना चाहिए। हमारे भाई बताएंगे, इनका एक क्वेश्चन था, बताओ सर जी। भाई एक बात बताइए जी, एक सेटरी हम कैसे खोलें, इतनी सारी हाइट है नीचे, ऊपर से माल गिर गया, कोई दब गया। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि माल हमारा नीचे ना जाए और माल हमारा ऊपर ही रहे। हैं एक बार सर जी नीचे दिखाना, हाइट दिखाना नीचे की कितनी है। ये देखिए दोस्तों, इतनी हाइट है इसकी, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि माल ना जाएगा। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेफ्टी के लिए हमारे पास जाल होना चाहिए। अभी मैं आपको जाल प्रोवाइड करवा देता हूँ, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखना बिल्कुल, ठीक है। एक मिनट, दोस्तों जाल हमारा लग चुका है, आप देख रहे होंगे, और सेटरिंग खुलनी चालू हो चुकी है। काफ़ी हाइट की सेटरिंग है दोस्तों। सेटरिंग खोलने से पहले ध्यान रखें, जो हमारी साइडें होती हैं, पहले सबसे पहले ये गिराएं। अगर आप ये गिरा लेंगे तो फिर आप जब छज्जा खोलोगे तो आपका एकदम से ही छज्जा गिर जाएगा, उसके अंदर फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप साइड नहीं गिराते हो तो फिर आपका छज्जा लटक जाएगा और फिर वो खुलेगा नहीं, 2-3 घंटे से ज़्यादा भी ले सकता है और चोट भी लग सकती है वैसे छज्जा खोलते हुए। सबसे पहले जो साइड बॉटम होते हैं दोस्तों, ये गिराना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये भाई जी हमारे गिरा रहे हैं, इसी में टाइम लगता है दोस्तों, जो भी लगता है। देखिए दोस्तों, वो लेंटर सर्दी के अंदर आपका अगर लेंटर भी खोलने को तो आप खोल सकते हो, कम से कम 16 या 15 दिन होने चाहिए। इससे पहले सर्दी में लेंटर ना खोलें, और लेंटर होने के बाद 2 या 3 दिन तराई मारनी बहुत ज़रूरी है इस पे, लेंटर पे, जो कि आपने देखा होगा लेंटर में दरार आ जाती है, वो दरार नहीं आएगी उससे। अब हमारे दोस्तों साइडें खुल चुकी हैं, अब लेंटर गिरने की तैयारी है। अब ऊपर से चोट मारेंगे और ये सीधा नीचे आ जाएगा, थोड़ा पीछे हो जाते हैं। ये दोस्तों एक बल्ली लगी हुई है, ये बल्ली हटते ही और ऊपर चोट लगते ही लेंटर ये नीचे आ जाएगा। एक बंदा ऊपर खड़ा कर रखा है बल्ली मारने के लिए। अगर चोट बल्ली मारने से नहीं आता है जैसे, तो फिर ऊपर से चोट मारने के बाद ये गिर जाएगा। ये देखिए दोस्तों किस तरीके से हमारा लेंटर खुल चुका है, बड़े प्यार